गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। टुडे वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 5.8 सॉल्व दिस वर्ड स्टोरीज। आपको ये वर्ड स्टोरीज को अच्छे से केयरफुली रीड करना है, देन इनको सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड स्टोरीज, देयर आर 75 एप्पल्स इन अ बास्केट। हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर इन 16 सच बास्केट्स। मीन्स यहाँ क्या दे रखा है, देयर आर 75 एप्पल्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में कितने एप्पल्स रखे हैं, 75। ओके, हाउ मैनी एप्पल्स विल बी देयर इन 16 बास्केट। तो 16 बास्केट में कितने एप्पल्स आ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट रिमेंबर दैट अगर आपको किसी भी वन चीज़ की वैल्यू दे रखी और मोर देन वन की आपको काउंट करनी, तो आपको ऑलवेज क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई। जैसा कि यहाँ दे रखा है कि एक बास्केट में कितने एप्पल्स आ रहे हैं, 75। तो यहाँ वन की वैल्यू दे रखी कि वन में 75 एप्पल्स आते हैं, और मोर देन वन मतलब यहाँ क्या इतने फाइंड करना है आपको, 16 बास्केट में फाइंड करना है कि 16 बास्केट में कितने आएंगे, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना रहेगा। ओके, सो सॉल्यूशन इज, फर्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, जो वन बास्केट में जितने एप्पल्स आएंगे वो लिखेंगे हम। सो एप्पल्स इन वन बास्केट, वन बास्केट में कितने एप्पल्स आ रहे हैं, 75। देन एप्पल्स इन 16 बास्केट, देन हमको जितने का निकालना है वो लिखना रहेगा। सो एप्पल्स इन 16 बास्केट्स, सो हम उन 75 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 75 मल्टीप्लाई 16, सो 75 मल्टीप्लाई 16 वी गेट 1200। सो आंसर लिखेंगे एप्पल्स इन 16 बास्केट्स 1200। ओके, तो 16 बास्केट में कितने एप्पल्स आएंगे, 1200। मल्टीप्लाई बिफोर वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ, तो आप उसमें से देख के कर सकते हैं। ओके, नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज, ए बस कैरीज 158 पैसेंजर्स, हाउ मैनी पैसेंजर्स कैन 25 सच बसेस कैरी। अब अगेन इसमें वही दिया है कि एक बस में कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, 158। एक बस में 158 पैसेंजर बैठ सकते हैं, तो 25 बस में कितने पैसेंजर बैठेंगे। ओके, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक बस कितने पैसेंजर को ले जा रही है, 158 को, सो 25 बस है कितने पैसेंजर को ले जा सकती है। ओके, सो अगेन वन का दिए है और मोर देन वन की वैल्यू काउंट करनी है, सो वी राइट डाउन, पहले हम वन बस का लिखेंगे, वन बस कैरीज पैसेंजर, मतलब एक बस कितने पैसेंजर को ले जा रही है, 158 को। उसके बाद हमको जितने पैसेंजर का निकालना है उसका लिखेंगे, सेम वही लाइन, 25 बसेस कैरीज पैसेंजर, 25 कितने को ले जाती है, तो 158 में आपको ये 25 को मल्टीप्लाई करना रहेगा, 158 मल्टीप्लाई बाय 25। सो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, सो आंसर हमको मिला है 25 बसेस कैरीज पैसेंजर्स 3950, मतलब 25 बसेस में कितने पैसेंजर आएंगे, 3950। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ इन यूर होमवर्क। ओके, ये आपको दोनों HW में करने, मैं आपको ये समझा सकती हूँ। देर आर 142 टॉयज ऑन ए शेल्फ ऑफ ए टॉय शॉप, हाउ मेनी टॉयज विल बी देयर ऑन 70 सच शेल्फ। मतलब एक टॉय शॉप की एक शेल्फ में कितने टॉयज आ रहे हैं, 142, तो 17 शेल्फ में कितने टॉयज आएंगे। सिंपल, वन का दिया है एंड 17 का आपको फाइंड करना है। ऐसे ही क्वेश्चन फोर्थ, ए शॉपकीपर सेल्स 263 पैकेट्स ऑफ जूस इन वन डे। एक शॉपकीपर वन डे में, एक दिन में कितने पैकेट्स बेच रहा है जूस के, 263। हाउ मेनी पैकेट्स डज ही सेल इन 90 डेज, तो 19 डेज में कितने बेचेगा। तो वन डे का आपको दिया हुआ है, वन डे में इतने बेच रहा है, तो 19 में कितने बेचेगा, तो आपको 263 में 19 का मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव इज, राज हैज 21 जार्स फुल ऑफ मार्बल्स, देर आर 350 मार्बल इन ईच जार, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विथ राज। मतलब राज ने के पास 21 जार है जो फुल ऑफ मार्बल्स, फुल मार्बल से भरे हुए हैं। ओके, 21 जार्स फुल ऑफ मार्बल्स, देर आर 315 मार्बल इन ईच जार। ईच मतलब एक जार में, हर एक जार में कितने मार्बल्स होंगे, 350। 21 है तो उसमें से ईच जार मतलब एक एक जार, हर प्रत्येक जार में कितने होंगे, 350। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स विथ राज, तो टोटल राज के पास कितने मार्बल्स होंगे। सो सॉल्यूशन इज, मार्बल्स इन वन जार, एक जार का हम लिख देंगे ईच जार, मतलब हर एक जार में, तो एक जार में कितने हैं, 315। मार्बल्स इन 21 जार, 315 मल्टीप्लाई बाय 21। ओके, सो 315 मल्टीप्लाई बाय 28, सो वी गेट 6650। सो आंसर इज, मार्बल्स इन 21 जार, 6650। ओके, क्वेश्चन सिक्स इज,
ए कैंडीज आर इन ए शॉप कंटेन्स 238 कैंडीज, मतलब ए कैंडीज आर एक शॉप में कैंडीज आ रहे कि उसमें कितनी कैंडीज रखी हुई है, 238। इफ देर आर 27 कैंडीज आर इन द शॉप, अगर शॉप में 27 कैंडीज आ रहे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, तो टोटल कितनी कैंडीज शॉप में होगी। ओके सो सॉल्यूशन इज कैंडीज कंटेन इन वन जार, वन जार में कितनी कैंडीज आ रही है, 238। कैंडीज कंटेन्स इन 27 जार, तो 27 में कितनी आएगी, 238 मल्टीप्लाई बाई 27, सो वी गेट 6426। सो आंसर इज कैंडीज कंटेन्स इन 27 जार 6426। क्वेश्चन नंबर 7 इज 246 चिल्ड्रन ऑफ ए स्कूल कॉन्ट्रीब्यूटेड 25 रुपीज ईच फॉर द स्पोर्ट्स डे, मतलब एक स्कूल में स्पोर्ट्स डे, तो 246 चिल्ड्रन है, उसमें से ईच चिल्ड्रन मतलब हर एक स्टूडेंट कितने रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 25। हाउ मच मनी वॉज कलेक्टेड इन, तो टोटल कितना मनी कलेक्ट हुआ है। सो सिंपल स्टूडेंट, ईच चिल्ड्रन मतलब हर एक स्टूडेंट कितना दे रहा है, 25। सो ईच चिल्ड्रन कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज़ 25। अब टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 246। सो 246 चिल्ड्रन कॉन्ट्रीब्यूट 246 मल्टीप्लाई बाई 25, सो वी मल्टीप्लाई इट्स वी गेट 6150। सो आंसर इज 246 चिल्ड्रन कॉन्ट्रीब्यूट रुपीज़ 6150, मतलब टोटल कितने रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 246 चिल्ड्रन, 6150। सो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, सो आपको मैं अब क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 आपको HW में है, तो टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें से मैंने 4 आपको IW दिए हैं, 3rd, 4th, 8th एंड 9। 10, 11, 12 का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी, सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बिफोर क्वेश्चन समझाए हैं वैसे ही है, तो आपको उनको अंडरस्टैंड करना है। ओके okay?